नमस्कार, मेरा नाम है सादेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार गिरते जा रही हैं। पार्थ चटर्जी के पकड़ाने के बाद जो है ममता बनर्जी पर लगातार विपक्ष जो है तंज कस रहा था और लगातार ममता बनर्जी के हर विधायक मंत्री पर लगभग जो है अब केंद्र जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कस दिया है और ममता बनर्जी का वहां पर हाल खराब है। बीते दिनों वो राज्यसभा सांसद जो है भाजपा से सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद कई सारे अटकलें लगाए जा रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी भी टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी की जो बंगाल में एक छवि थी वो अब जा चुकी है और एक बयान उन्होंने, उनके विधायक ने दिया था कि ममता बनर्जी हमारे लिए अल्लाह जैसी है, नौजबिल्ला। तो इस तरीके के बयान ने कई सारे मुसलमानों को भी बंगाल में तोड़ दिया है और ममता बनर्जी के काला कारनामा के सामने आने के बाद जो है बंगाल की जनता भी अब सच्चाई समझ चुकी है और ममता बनर्जी की सफ़ेद साड़ी जो वो अपनी सफ़ेद छवि को दर्शाने के लिए पहनती थी, उस सफ़ेद साड़ी पर अब एक काला धब्बा बैठ चुका है। जी हाँ, उस पर अब एक काला धब्बा बैठ चुका है। बता दे कि अब ममता बनर्जी को तो लगातार विपक्ष घेर ही रहा था और अब जो है उनके पार्टी के नेता, जी हाँ टीएमसी के विधायक हैं, उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर से विधायक हैं अब्दुल करीम, उन्होंने भी अब ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है। ममता बनर्जी से उन्होंने कह दिया कि अगर अपने फैसलों पर अडिग नहीं रहेगी ममता बनर्जी या अपने ये जो फैसला उन्होंने लिया है इसको नहीं बदलती हैं तो हम ममता बनर्जी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल अब्दुल करीम जो है उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर से जो विधायक है, तो इस्लामपुर प्रखंड अध्यक्ष जाकिर हुसैन को बनाया गया है। वहीं जो अब्दुल करीम है वो चाहते थे कि इस्लामपुर का जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो उनका बेटा बने। जी हाँ, लेकिन नहीं बनाया गया, जिससे वो ममता बनर्जी से काफी ज्यादा नाराज हो गए। बता दें कि उन्होंने जाकिर हुसैन पर कई अपराधी घटनाओं में संलिप्त रहने का आरोप भी लगाया है और उसे एक अपराधी बताया है। तो अब्दुल करीम ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द जाकिर हुसैन को वहां से नहीं हटाती है तो फिर सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, जिससे ममता बनर्जी की सरकार जो है वहां पे अस्थिर हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट न्यूज़।